लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी से लंबे घमासान के बाद सोमवार को नामांकन करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर रामेश्वर चौधरी पहुंचे। विधायक चौधरी बाबूलाल के साथ नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने पहुंचे रामेश्वर चौधरी के चेहरे का तेज एक नया इतिहास लिखने जाने की कहानी बयां कर रहा था। हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे रामेश्वर चौधरी ने नामांकन के बाद GIC ग्राउंड में अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से वर्तमान भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र चौधरी रामेश्वर ने नामांकन से पहले GIC ग्राउंड में विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। GIC ग्राउंड में अपने चहेते प्रत्याशी निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में उतरे डॉक्टर रामेश्वर चौधरी के समर्थन में पहुंचे हजारों समर्थकों ने उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने नेता को सांसद बनाने का संकल्प लिया। वहीं विधायक एवं उनके पुत्र ने क्षेत्र भर में विकास करने का वादा करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा के प्रत्याशी को यदि पार्टी बदलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं विधायक चौधरी बाबूलाल ने साफ साफ कहा कि वह मरते दम तक भाजपा में रहेंगे, लेकिन भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर का किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। इससे साफ हो गया है कि दो जन प्रतिनिधियों के बीच चुनावी जंग का बिगुल बज चुका। इसी को देखते हुए स्पष्ट किया कि जनता जनार्दन के आह्वान पर चौधरी रामेश्वर को जनता ने अपना जन प्रतिनिधि बनाकर निर्दलीय के रूप में उतारने का काम किया है, और अगर पार्टी हाईकमान अगर राजकुमार चाहर के नाम को नहीं बदलती है तो रामेश्वर चुनावी मैदान में रहेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने राजकुमार चाहर की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि सांसद होने के बाद राजकुमार ने क्षेत्र की सूद तक नहीं ली है। नामांकन वापस नहीं ले रहा, मतलब पर्चा भर दिया। कौन नाराज है? संगठन के लोग कह रहे हैं। संगठन कौन कह रहा है आप बताइए ना, कौन कह रहा है संगठन का? एक सुनिए आप, सुनिए सुनिए, संगठन ने किसी ने हमसे संपर्क किया? हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया। हमें कल माननीय धर्मपाल जी से मुलाकात करने के लिए गए, ठीक है। जनता का कैंडिडेट है रामेश्वर, हमारा बना हुआ कैंडिडेट नहीं है। जनता ने पंचायत करके, तीसरी पंचायत हो रही है आज GIC मैदान में, पहले हुई होली, होली का उत्सव हुआ। आप किसका प्रचार करेंगे? हम तो जनता की, जो जनता, जो जनता उसको चाह रही, हम जनता के साथ है। राजकुमार चार का किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, चाहे मर जाएंगे हम, पर राजकुमार चार का नहीं करेंगे। जनता नहीं चाह रही उसको किसी भी सूरत में। संगठन मंत्री से भी आपकी मुलाकात, संगठन मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई? संगठन मंत्री से हुई, हमारी बात यही कही कि जनता नहीं चाह रही इसको, जनता इसको कैंडिडेट बदल दे और रामेश्वर नहीं लड़ेगा। चलो इतना ही नहीं, विधायक चौधरी बाबूलाल ने GIC ग्राउंड में आयोजित हुई जनसभा के दौरान, जहां एक ओर आगामी चुनाव को लेकर जनता जनार्दन के फैसले के साथ चलने की बात कही, तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्टी राजकुमार चाहर का नाम वापस लेती है तो रामेश्वर चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई क्षेत्र में काम न करने को लेकर राजकुमार चाहर से है, भाजपा से नहीं। वहीं उन्होंने यहां तक कह डाला कि रामेश्वर की जीत के बाद वह भाजपा में ही शामिल होंगे। मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आपने इतना समय दिया, आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपके चरणों में नमन और वंदन। ये पंचायत आप लोग नामांकन कराने के लिए रामेश्वर के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग जिस तरीके से राजनीति पूरे क्षेत्र में की आज तक, किसी भी भाई के साथ कभी हमने झलकबर झूठ दलाली ये उल्टा सीधा काम हम लोगों ने नहीं किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहुत कम दो तीन सवालों का जवाब पूछना चाहता हूँ। 5 साल के पीरियड में राजकुमार कौन कौन से सुख में आप लोगों के सामने आया? आज जो पंचायत का फैसला था, किरावली की पंचायत में
आप लोगों ने रामेश्वर को प्रत्याशी जी बनाया और हम आज भी पार्टी नेतृत्व से आपकी तरफ से और अपनी तरफ से हाथ जोड़ के पैर छू के अनुरोध करना चाहते हैं कि ये प्रत्याशी राजकुमार चाहर किसी भी आदमी के गले से नहीं उतर रहा किसी के गले से। फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के समर्थन में पहुंचे विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा, मैंने भाजपा के साथ बगावत नहीं की है। आज भी पार्टी हाईकमान राजकुमार चाहर को बदलने किसी और को टिकट दे दे तो बेटा अपना नाम वापस ले लेगा। मैंने कोई भाजपा के साथ अनुशासनहीनता नहीं की है। जनता मेरे बेटे को पसंद करती है, इसलिए वह चुनाव लड़ रहा है। आप सबकी भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक बात का अनुरोध किया था कि क्षेत्र में निराश्रित जो है वो स्थानीय सांसद का है। भारतीय जनता पार्टी से किसी में कोई लड़ाई नहीं है, कोई प्यार नहीं है। आप प्रत्याशी बदल दें, पुनर्विचार करें, पर्यवेक्षक भेजें या जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करें। उसके बाद 12 तारीख को हम बाल बाबा के दर्शन करने जंगनेर गए, फिर 18 तारीख को हम बटेश्वर जा रहे थे, हमने परमिशन मौखिक स्वीकृति अधिकारियों से ले ली थी, उन्होंने कहा कल हम आपको स्वीकृति दे देंगे, परमिशन दे देंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों से परमिशन हमारी निरस्त कर दी गई। इन्हीं को लेकर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने नामांकन के बाद फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर पर जमकर हमला बोला। नामांकन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में फतेहपुर सीकरी से दलाली बाहर होगी, मोदी योगी से बैर नहीं, राजकुमार चाहर तेरी खैर नहीं का नारा भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो विकास नहीं हुए हैं उन्हें करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जनता में फतेहपुर सीकरी जगनेर जहाँ वाटर लेवल 450 से नीचे है, किसान की स्थिति दयनीय हो रही है, उसकी आवाज को देश की संसद में पहुंचाना और उसके माध्यम से उनका समाधान कराना ये प्राथमिकता पर होगा। साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी जाजव से लेके और खिरागढ़ और जगनेर तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। मेरे पिताजी 2014 से 2019 में जब सांसद थे तो उन्होंने उसके लिए सर्वे और बाकी सब फॉर्मेलिटी कराई थी, लेकिन उसके बाद वो फाइल कहीं गुम हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई 2019 से 2024 के बीच में। उसको भी प्रिंट निकाल के प्राथमिकता पर उसको जो कहीं अधूरा रह गया उसमें काम उसको पूरा कराया जाएगा। आपके पिताजी सिटिंग विधायक हैं, आपको नहीं लगता कि ये अनुशासनहीनता है? नहीं, देखिए सिटिंग विधायक हैं तो क्या कोई व्यक्ति जो क्षेत्र में 5 साल जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं रहा हो, जनता के मरे गिरे में नहीं गया हो, जनता के ब्यासादी में नहीं हुआ, जनता के फोन नहीं उठाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार है? अगर अधिकार है तो जनता निर्णय करे, लोकतंत्र में जनता को निर्णय करने का अधिकार है, जनता करेगी। नामांकन के बाद जीआईसी मैदान में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे फतेहपुर सीकरी से जनता जनार्दन के आह्वान पर निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे रामेश्वर चौधरी ने अपने सर को पगड़ी जनता के कदमों में ये कहते हुए रख दी कि अगर क्षेत्र की समस्त सरदारी अपने क्षेत्र में विकास की मांग को पूरा होते देखना चाहती है तो ही इस पगड़ी को मैं अपने सर का ताज बनाऊंगा। जिसके बाद सभागार में बैठे समर्थकों ने एक स्वर में आवाज बुलंद करते हुए अपने नेता को इस बार बदल कर क्षेत्र में नया इतिहास कायम करने का नारा दे दिया। और जिस तरीके से क्षेत्र में 6 अप्रैल को 2 अप्रैल को जो पंचायत हुई किरावली में, उस किरावली की पंचायत में 5 और विधानसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा की समस्त सरदारी, समस्त मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मातृशक्ति और मंच पर मौजूद थी और सबने एक स्वर से यह कहा कि भाजपा हाईकमान अगर प्रत्याशी नहीं बदलता है तो प्रत्याशी बदलने का काम जनता जनार्दन अपना प्रत्याशी रामेश्वर सिंह को लड़ाने की घोषणा पंचायत के माध्यम से की।
चुनावी संख्यानाथ होने के साथ ही क्षेत्र में उठे भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ विरोधी स्वर अब एक इंकलाब का रूप ले चुके हैं और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनता ने अपना नया नेता रामेश्वर चौधरी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहरहाल एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार का चुनावी रण राजकुमार चाहर के लिए आसान नहीं होगा। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।